Big Business Ideas. हर सपने को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, जीत होगी सिर्फ आपकी, बस लक्ष्य को निगाहों में रखो और आपके लक्ष्य तक पहुंचने वाले हर रास्ते को आसान बनाने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है लेकर आपका चहेता कार्यक्रम बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैपफॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या भारत में है और ये भी सच है कि भारत में हर 3 ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में से एक बेरोज़गार है। ये बेरोज़गारी हमारे देश की कुशलता को खोखला कर रही है। इसे ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि भारत को कौशल बनाया जाए। आज हर भारतीय नागरिक इस मुहिम से जुड़ना भी चाहता है लेकिन शायद जानकारी हम तक पहुँच ही नहीं पाती। तो चलिए हम जानकारी तक पहुंच जाते हैं और बुलाते हैं उन्हें जो हमारे संदेह दूर करेंगे। प्लीज वेलकम द ओदर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार, वेलकम। सुनील जी, दुनिया भर में हजारों सालों से भारत हाथ के हुनर के लिए जाना जाता रहा है लेकिन आज हमें अपने ही देश में हाथ के इस हुनर को सीखने के लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल जरूरत पड़ रही है शिल्पा जी, इसके लिए थोड़ी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी। हमारा एक विशाल देश है जी और अगर हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट जो फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग है हमारे देश में वो कुल 4.69% है। अब बाकी देशों की स्थिति देखें अगर हम तो ये जर्मनी में 75% है और जापान में 85% है और कोरिया में 96% है। माय गॉड, हमारा देश विशाल देश है। 25 साल से नीचे के लोग अगर हम देखें तो लगभग 54% है। 65% लोग ऐसे हैं जिनकी एज 35 से नीचे है। ये सब मेक्स अस अ यंग कंट्री। 2020 में जो एवरेज एज है इंडियन की वो 29 ईयर्स होगी। ओके और अगर हम इसको यूएस में देखें तो 40 है और अगर यूके में देखें तो 46 है। जैसा आपने खुद कहा ओपनिंग में कि हुनर हमारे देश में शुरू से रहा है बिल्कुल, लेकिन उसको डेवलप नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पा रहे और उससे हम लोग लाभ नहीं उठा पा रहे, उसको हमें बिजनेस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको लगता है कि अगर हम अपने देश की बात करें भारत में स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा स्थान रखता है, ये आपको लगता है? इसके लिए पहली सरकारों ने भी बहुत जोर दिया है लेकिन अब नए सिरे से एक शुरुआत की गई है। जैसे कि नई मिनिस्ट्री बना दी गई जो कि 2014 में बनी है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहली बार 2014 में सोचा गया कि खाली स्किल ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, हमें एंटरप्रेन्योर बनाने पड़ेंगे ताकि वो व्यक्ति खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सके और बाकी सबको भी एम्प्लॉयमेंट दे सके जी। तो इस ट्रेनिंग के लिए कुछ किया गया है सरकार की तरफ से? बहुत बार किया हो गया है, जैसे कि 2008-09 में सबसे पहले नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई। जितनी भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं ये अपने स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग प्रोग्राम चलाती हैं। ओके, तो इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए पहली बार 2008-09 में सरकार ने सोचा कि इसको हम एक कॉरपोरेशन बनाते हैं जो कि पीपीपी मॉडल में होगी जिसमें कुछ प्राइवेट लोग भी होंगे और सरकारी लोग भी होंगे, जिससे कि जो प्राइवेट लोगों के अंदर मोटिवेशन होता है और जो सरकार के अंदर पॉलिसी मेकिंग होती है उन दोनों को मिला के कुछ इस तरह का बनाया जा सके। क्योंकि हमारे देश में आईटीआई बहुत सालों से चल रहे हैं, क्यों नहीं सक्सेस रेट ज्यादा नहीं है, इसलिए एक कॉरपोरेशन बनाई गई जिसे हम बोलते हैं एनएसडीसी जो कि आज बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और क्योंकि एनएसडीसी बहुत अच्छा काम कर रही है तो हमने ये सोचा है कि हम उनके एक बोर्ड मेंबर को आज हमारे साथ यहाँ पे बुला लें। तो अपने मेहमान को हम शुमार कर लेते हैं साथ में। जरूर दोस्तों, आज के जो हमारे मेहमान हैं आप ना केवल अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र के ज्ञाता है बल्कि सामाजिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाले कौशल को नागरिकों तक पहुँचाने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ही इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मेनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स and is board member of National Skill Development Corporation. Please welcome Shri G.P. Srivastav. Namaskar sir. Namaskar. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Please have a seat sir. Thank you. Srivastav ji, National Skill Development Corporation, what made government to launch NSDC? देखिए सबसे बड़ा issue ये था कि हमारे यहाँ youth कहने की जरूरत नहीं, सबसे ज्यादा नंबर यंग लोगों की है जी। या तो आप उनको आर्थिक
पहलुओं में शामिल करके एक प्रोडक्टिव पार्टनर उनको बनाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो वो अराजकता फैलाएंगे, जब उनको काम करने के लिए नहीं मिलेगा तो वो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सोशल एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एक थ्रेट हो सकती है, उसके बजाय क्यों ना उस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में आप टर्न करें, जबकि उनको आप प्रोडक्टिव पार्टनर बना लें, और उसके लिए स्किलिंग इज द मूल मंत्र। सो इसीलिए ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वजूद में आया। जी, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है सर इस कॉर्पोरेशन का? देखिए, ये पहली बार गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें देश को अगर आगे बढ़ाना है और खुशहाली लाना है, जिसमें सबका इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको वो कदम उठाने पड़े जिसके अंदर समाज के सारे लोग आ सके। आप ये देखें कि इसकी शुरुआत जो है 2008-2009 में की गई जी। और आपको जान के ये शायद ताजुब होगा कि हमारे कंट्री में नहीं, विश्व के कई कंट्रीज का भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो ये पहली बॉडी है जिसके अंदर पीपीपी में बहुत से मॉडल आए हैं, लेकिन सारी फंडिंग गवर्नमेंट का फंड प्राइवेट सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव के हाथों में है। ओके, ऐसा पहले नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था। ये पहला प्रयोग किया गया जो आप एनएसडीसी को इसका क्रेडिट दे सकते हैं। और ये प्रयोग बहुत हद तक सफल भी रहा है। अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि हमारा देश जो है ये एक यंग कंट्री है, तो इस यंग कंट्री से हमने बात की थी, आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए दैट शुड बी मोर ऑफ स्किल बेस्ड रादर देन थियोरेटिकल वन। आज मैं बीए पढ़ के और अगर मेरे पास कोई स्किल्स नहीं है, इट डजंट ऐड एनी वैल्यू इन माय लाइफ। सब्जेक्ट्स में हम अगर स्किल डेवलपमेंट या ट्रेनिंग पहले से ही आफ्टर 12th डाल दें तो उन्हें एम्प्लॉयबल स्किल्स मिल जाएंगी जो उन्हें अच्छा कोर्स के बाद जॉब दे सकती है। आजकल आधुनिक युग है, मॉडर्न युग है, आप देख रहे हैं ना, टेक्निकल भी तो बढ़ता जा रहा है। पहले जो चीज़ हम हाथ से करते थे उसके लिए मशीनें हो गई हैं। हमने बीटेक किया, बीटेक के साथ हम एक और डिप्लोमा कर रहे हैं इस मशीन को चलाने के लिए। तो आप बीटेक भी हैं और एक आपके इसके सीएनसी, आप सीएनसी ऑपरेटर देखिए तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंगूठा टेक होता है, वो पढ़ा लिखा बीटेक इंजीनियर है। हमारे यहाँ हैं ऑटोकैड वाले बंदे हैं तो वो बीटेक करके आते हैं कि उसको किस होल पर क्या मल्टी बोरिंग होनी होती है तो उसको एक एक होल का साइज़ देना होता है, तो एटलीस्ट वो बीटेक तो होता ही है। तो ये चीज़ है जो लोग फेस करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के रूट्स में ही स्किल डेवलपमेंट की शुरुआत होनी चाहिए, या जब एक बच्चा अपनी 12th तक की क्वालिफिकेशन पूरी कर लेता है तो उसके साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स होना चाहिए? आप दोनों से जानना चाहूँगी। पहले सर, देखिए 8th के बाद, क्योंकि बेसिक एजुकेशन 8th के बाद ये चालू होना चाहिए। ओके, कि जिस बच्चे का जहां पे इंटरेस्ट हो उस दिशा में उसको स्किलिंग, अगर उसको चाहिए तो उसको स्किल ट्रेनिंग में डालना चाहिए। 8th के बाद हो, 10th के बाद हो, 12th के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो, क्योंकि हमें ध्यान रखना है एम्प्लॉयबल स्किल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप कितना ही सीख लीजिए उसके बाद अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, उससे अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे हैं, तो दैट डजंट मेक अ सेंस। इसी वजह से आज हमारे देश में अगर आप देखें तो एमबीए करने के बाद भी 50% लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे देश में चल रहे हैं लेकिन वो ऑब्सोलीट हो चुके। वो सारे आईटीआई क्यों फेल हुए कि मान लीजिए महाराष्ट्र में चल रहा है तो उसमें एजुकेशन तो चल रही है मराठी में या कहीं और चल रहा है, उस रीजनल लैंग्वेज में चल रही है, लेकिन उसका एग्जामिनेशन का पेपर जो सेट होकर आ रहा है वो आ रहा है दिल्ली से, वो हिंदी या इंग्लिश में आ रहा है। और जो मशीन वहां पर हैं वो बहुत पुरानी ऑब्सलीट हैं। लेकिन आज जो सरकार ने नई मिनिस्ट्री बनाई है या जो आज एनएसडीसी काम कर रही है, इसमें भागीदारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की है, जो हमारे चैम्बर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिला के बनाए हुए हैं, जिनको पता है मुझे कौन से स्किल वर्कर चाहिए जी। अब हम रिवर्स चल पड़े हैं, जैसा विदेशों में होता था, अब हम देखते हैं कि हमारी इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आया, वो कहता है मैं फलां इंडस्ट्री लगाऊंगा, उसमें मुझे 20,000 वर्कर चाहिए, तो हम बोलते हैं उन 20,000 वर्कर की ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि उनकी ट्रेनिंग हो और उसके बाद वो सीधे वहां, मतलब जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी चीज के लिए उन्हें ट्रेन किया जाए। आप क्या कहते हैं सर? देखिए, इसको बोलते हैं मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजी से अपने आप को रीअलाइन करना है आपको। शुरुआत हम वहां से करते हैं, जैसे हमारे गुप्ता जी ने बोला कि साहब एजुकेशन में डिफरेंट लेवल्स हैं। आपको ताजुब होगा कि एजुकेशन हमारी फंडामेंटल राइट्स बन चुकी हैं, राइट टू एजुकेशन, लेकिन आज भी आप देखें कि एलिमेंट्री लेवल तक जाते जाते तकरीबन 1/3 से ज़्यादा लोग स्कूल छोड़ देते हैं, और जो प्राइमरी एजुकेशन के बाद लगभग 50%
बाहर हो जाते हैं। तो जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, इनका आप क्या करेंगे। तो इसको रीअलाइन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप 2008-09 में लिया गया था, जिसके अंदर स्किल पॉलिसी बनाई गई थी और वो जो है NSDC की शुरुआत उसमें हुई थी। और पहली बार ये कहा गया कि 2022 तक हम 500 मिलियन लोगों को ट्रेन करेंगे। जितना कई कंट्रीज की पॉपुलेशन नहीं, उससे ज्यादा लोगों को आपने टारगेट, उससे ज्यादा तो लोग हमने ट्रेन करने का टारगेट है। उसमें से तकरीबन एक चौथाई के लगभग वो टारगेट दिया गया 150 मिलियन का NSDC को। NSDC ने, जैसे गुप्ता जी ने बताया कि ये पहली बार जब शुरुआत हुई तो सारे चैम्बर्स, SOCHM, CII और FICCI, ये प्रमोटर्स थे और उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ये हाथ मिलाया कि हम उन क्षेत्र में आपका सहयोग करेंगे जिसमें हम मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ हम सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें हम सहयोग देंगे। और तीसरा उसमें अहम पहलू एक और जुड़ता है कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर देख लिया, आपने विजन बना लिया, लेकिन ट्रेनिंग कौन देगा। ट्रेनिंग देने के लिए आपको चाहिए ट्रेनर्स, इक्विपमेंट्स वगैरह तो आप मोबिलाइज कर सकते हैं, तो ट्रेनर बनाने में आपको समय लगेगा, क्योंकि जो ट्रेनर है पहले उनका भी तो एक ट्रेनिंग पार्क बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर इंडस्ट्री ने हाथ बढ़ाया और बोला देखिए हमारे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ फोरमैन है जिसको आम भाषा में उस्ताद बोलते हैं, उनकी सेवाएं हम आपको देंगे और वो जाकर के आपके यहाँ ट्रेनिंग दे सकेंगे। तो ये एक पहली बार प्रयोग जो दोनों के सहयोग से हुआ, उसके परिणाम आपको दिखाई पड़ने शुरू हो गए। जी सुनील जी, यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और इतने ज़्यादा लोग हैं जिनका हमारा टारगेट है कि हमें 2022 तक उन्हें स्किल्ड वर्कर बनाना है, ऐसे में आपको लगता है कि अगर कुछ लोग आगे आते हैं जो अपना स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए अब क्या हुआ, 2014 में जब सरकार ने पहचाना कि स्किल डेवलपमेंट हमारे देश की सबसे बड़ी जरूरत है, आज हमें हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से ज्यादा स्किल इंस्टीट्यूशन की जरूरत, तो एक और पहल है गवर्नमेंट की जो कि बहुत बढ़िया पहल है कि अब एक नेशनल बोर्ड ऑफ स्किल सर्टिफिकेशन बनाया जा रहा है। ओके, क्योंकि एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि अभी हमारे इसमें मान लीजिए एक वोकेशनल ट्रेनिंग है या कोई स्किल ट्रेनिंग है, वो एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में, उसके करिकुलम में फर्क है, उसके वैल्यू असेसमेंट में फर्क है, असेसमेंट में फर्क, उसकी एक सर्टिफिकेट जो मिलता है उसकी कीमत में फर्क है जी। तो जो एंड यूजर है, जो उस स्किल उसको लेता है, उसको ये नहीं पता होता। जैसे मान लीजिए आपने 10th किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBSE से किया है, तो आपने कहीं से भी किया है तो सबको बताया कि 10th के बच्चे को क्या जरूर आता होगा अगर इसने CBSE बोर्ड से किया है। स्किल डेवलपमेंट में ऐसा कोई पैरामीटर्स नहीं थे। ये पहली बार अब कोशिश हो रही है कि एक नेशनल बोर्ड बना दिया जाए। वो नेशनल बोर्ड बनने के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगा जी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी जी। और दोस्तों आप लोगों को भी बताना चाहेंगे कि आज के समय में स्किल डेवलपमेंट में डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं तो भी आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, और अगर आप किसी कौशल को हासिल करना चाहते हैं यानी स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग पाना चाहते हैं तो भी पा सकते हैं।